और जब मैं रास्ते से आ रहा था गांधी चौक पे, जब राम जी हमको मिले बैठे हुए, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में क्या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि वनवास के दौरान भगवान प्रभु श्री राम सबरी का बेड़ खाते हैं और आप आज उनका नाम लेकर के लोगों का दुकान जलाते हैं, ये क्या है? ये नफरत की एक ऐसी साजिश है, ये नफरत की एक ऐसी आग है जिसमें इंसानियत और मानवता को जलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आग की लपट है, ये जो नफरत है, इसको अगर हमने समानता और मोहब्बत से नहीं हराया तो ये हमारे अधिकारों को भी जला देगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ आप देश की हालत देखिए, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ता है, रोज, कोई ऐसा दिन नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता हो। लगातार रसोई गैस महंगा हो रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे चला गया है। वो हिंदी फिल्म का एक गाना सुने हैं ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, पेट्रोल डीजल से कहता है चलो चलो यार चलो सौ के पार चलो। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है, खाने की तमाम चीजें महंगी हो रही हैं। अगर डीजल का दाम बढ़ेगा तो रेल का किराया बढ़ेगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो उसका पैसा किससे वसूल किया जाएगा? उसका पैसा इस देश के आम नागरिकों से वसूल किया जाएगा। और आप में से जिन लोगों ने भी ज्योतिबा फूले के विचार शेतकरी समस्याओं को लेकर के पढ़ा होगा, उसमें आप ये बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से धान उगाने वाला जो किसान है उसको उसके धान का दाम नहीं मिलता है, गेहूं उगाने वाला जो किसान है उसको उसके गेहूं का दाम नहीं मिलता है, कपास उगाने वाला जो किसान है उसको उसके कपास का दाम नहीं मिलता है, उसका दाम बीच में कोई खा जाता है। कभी आपने और हमने सोचा है कि हमारा गेहूं 10 रुपये किलो खरीद करके ले जाता है और 30 ग्राम का बिस्किट हमको 10 रुपये में वापस बेचता है? कौन खा रहा है ये बीच का मुनाफा? ना किसान को मिल रहा है, ना आम इंसान को मिल रहा है, बीच में सारा का सारा बेईमानी, सारा का सारा कमीशन, इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो मिल करके खा रहे हैं। एक तरफ ये लूट मच रही है, उस तरफ हमारा ध्यान ना जाए, उस तरफ हमारा दिमाग ना जाए, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उस बंटवारा की खाई को और बढ़ाया जाए, लोगों को और आपस में लड़ाया जाए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी टाई और अंग्रेजी मानसिकता छोड़ करके गए। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज के साथ बैठ करके जो चाय पे चर्चा करते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो, राज करो। और ये आज जो बैठे हुए गद्दी पे लोग हैं, ये क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो। आपसे मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, टीवी आपने खरीदा है, सरकार ने गिफ्ट किया है क्या? आप अपने पैसा से टीवी खरीदे हैं ना, उसका हर महीने रिचार्ज आप अपने पैसे से कराते हैं ना, आपके हाथ में रिमोट है ना, आपको लगता होगा कि हमको कितनी शक्ति है, जो चैनल बंद करेगा वो चैनल बदल करके देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चैनल बदल करके देख लीजिए, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए, आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कितनी बार ये दिखाया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा
पहले माँ बाप कहते थे कि कोई टेक्निकल हैंड कर लो बेटा, नौकरी मिल जाएगी। अरे माता जी, टेक्निकल हैंड छोड़िए, इस देश में इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। हर साल 5.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं इस देश में। मैं अभी नागपुर से आया हूं, दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज है। पुणे में दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज है, अहमदाबाद में कॉलेज है, चारों तरफ कॉलेज बने हुए हैं। लेकिन उस कॉलेज से जो निकलने वाले इंजीनियर हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी साल 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिया गया है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। ये है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही हैं। क्यों करेंगे? आपसे हमसे धर्म के नाम पर वोट ले लिए, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, आपके बेटा को नौकरी क्यों देंगे? और यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाए, फूट डालो राज। यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए कि जब दुनिया में तेल सस्ता था तब भी हम महंगा तेल खरीद रहे थे, आज जब तेल महंगा हो गया है दुनिया में तो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब यूक्रेन और रसिया आपस में नहीं लड़ रहा था और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे? किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, उसको देखिए और सोचिए कि जितना टैक्स जो है आपसे वसूला जाता है उससे कम में पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो कि नहीं रहेगी बेकारी, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। अरे आपके सपने में हम आ गए और ऐसा लगा कि वाह, देश के संविधान की क्या ताकत है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं था कि ये आदमी का चाय बेचने का दावा किताबी है, फर्जी है। पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। पता नहीं था कि हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका भतीजा बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन जाएगा। पता नहीं था कि किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए किसान ने नहीं मांगा, जबरदस्ती कि हम किसानों का भला करेंगे, आप 3 कानून ले लीजिए। अरे ऐसे पकड़ पकड़ करके कौन भलाई करता है? देश के किसानों ने मांगा था क्या कि आप मुझे कृषि कानून दे दीजिए? उस कृषि कानून को वापस कराने के लिए 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आप बात मत कीजिए। इस देश की क्या विडंबना है इसको समझिए। खुशी होती है महामहिम राष्ट्रपति को देख करके, रामनाथ कोविंद साहब को, माननीय राष्ट्रपति को देख करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई इस देश में दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। लेकिन जो ही हाथरस में एक बेटी की जान जाती है और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है, आत्मा वापस जो है शरीर में आ जाती है, दिल बैठ जाता है, लगता है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं पूरा हो रहा है।
ये तो गुरु जी का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। हम ये बात भूल गए हैं कि हम कहां से चले हैं। जब सावित्री बाई फूले महिलाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया था, तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे। और ये बात मैं बता रहा हूं 19वीं शताब्दी की। 1947 में जब देश आजाद होता है और संविधान सभा का निर्माण होता है, 15 महिलाओं को उसमें भागीदारी मिलती है। हमारा देश एक दिन में नहीं बना है, 5000 साल का इतिहास है। एक एक कदम पार करते हुए हम आज इस जगह पे आकर के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 में हम चंद्रमा पे चले गए, ऐसा नहीं है कि 2014 में हमने न्यूक्लियर बम फोड़ लिया था, ऐसा नहीं है कि 2014 में IIT बनी, ऐसा नहीं है कि 2014 में एम्स बना, ऐसा नहीं है कि 2014 में लोग PhD करने लगे, ऐसा नहीं है कि 2014 में हमको ओलंपिक का मेडल मिला, ऐसा नहीं है कि 2014 में हम वर्ल्ड विजेता बने, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के तमाम इलाके के तमाम चीजों का विकास पहले नहीं हो रहा था। 2014 से पहले भी देश था, 2014 के बाद भी देश है, और ये जब वापस चले जाएंगे तब भी देश रहेगा, क्योंकि देश व्यक्ति से बड़ा होता है। लेकिन आज हमारे सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि जहां तक हम आए थे वहां से हमको आगे जाना था। अगर हम चांद पे पहुंच गए तो हमको मंगल पे पहुंचना है, अगर मंगल पे पहुंच गए तो हमको बुध पे पहुंचना है, अगर हमने 15 एम्स बना लिए तो हमको 500 एम्स बनाने हैं, अगर हमने 20 IIT बना लिए तो हमको 2000 IIT बनाने हैं, अगर हमने एक JNU बना लिया तो हमको 10000 JNU बनाने हैं। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि नारा देश का और काम दोस्त का। सोच करके हमको बताइए, नारा देश का लगाया जा रहा है, तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है। आप में से तमाम लोग ये सोच करके मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरा ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं है। मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। आप सोच करके मुझे बताइए कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया, जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है? रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है ना, BSNL राष्ट्रीय संपत्ति है ना, LIC राष्ट्रीय संपत्ति है ना, तो इसको बेचने वाले लोग राष्ट्रवादी कैसे हैं? इनका तर्क यह है कि घाटे में चल रहा है, इसीलिए सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं। मतलब कल को इसके माँ बाप जब काम नहीं करेंगे, कोई आमदनी लेकर के नहीं आएंगे, तो ये अपने माँ बाप को बेच देंगे। यही तर्क है ना, कि आपके माता पिताजी अगर बीमार हो गए हैं तो आप उनका इलाज करवाएंगे ना, कि उनको मार्केट में ले जाकर के ले लो 10 रुपया में ले लो, दोस्त मेरे पप्पा को 10 रुपया में लो, और फिर हम कहेंगे तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। कैसे भाई? एक चीज हमको सोच करके बताइए कि अगर शिक्षा नहीं बचेगी, सरकार का काम यदि शिक्षा देना नहीं है, तो हमारा काम क्यों है शिक्षा मंत्री को वेतन देना? आप सोच करके हमको बताइए कि अगर BSNL बचेगा ही नहीं तो दूरसंचार मंत्री क्या करेगा? आप हमको सोच करके बताइए कि जब नहीं बचा एयर इंडिया तो तबला बचाएगा सिंधिया? क्या करेगा सिंधिया? ये सोचने की बात है। और ये जो सरकारी उपक्रम है, इनको जो बेचने की साजिश है, इस साजिश को भी आपको समझना पड़ेगा। जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब रेलवे बचेगा ही नहीं तो रेलवे में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब BSNL बचेगा ही नहीं तो BSNL में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब LIC बचेगी ही नहीं
तमाम सरकारी संस्थान बेच दिए जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? जब सरकारी अस्पताल ना हो, सरकारी स्कूल नहीं हो, सरकारी रेलवे नहीं हो, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं हो, हमारा ये कहना है। क्या करेंगे सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के? ये जो देश होने की संकल्पना है, इस देश की संकल्पना को खोखला क्यों किया जा रहा है? देश की संकल्पना को खोखला इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के भीतर जो नागरिक होने का एहसास है, उस नागरिक होने के एहसास को समाप्त कर दिया जाए। आप सोच करके हमको बताइए, प्रधानमंत्री से हम हैं कि हमसे प्रधानमंत्री हैं? बताइए, प्रधानमंत्री वोट दे करके हमको जनता बनाया है कि जनता ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है? हमने बनाया है ना। और आज हमारे अधिकार को किस तरीके से खत्म और समाप्त किया जा रहा है, इस बात को हमको सोचने की जरूरत है। पीएम केयर नाम का एक फंड था, पीएम का केयर नहीं था, वो जनता का केयर करने के लिए था। उसमें जो पैसा आया, लोगों ने जो चंदा दिया, तो पीएमओ ने कहा कि इस चंदे का हिसाब हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे भाई, काहे नहीं दीजिएगा? अरे हम लोग जसोदा बेन हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे कि काहे हमको छोड़ करके भाग गए? हम देश की जनता है ना भाई, तो हम पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं हिसाब दीजिएगा, बताइए तो कि चंदा कहां से आया। इसलिए नहीं बताते हैं कि चुनाव से पहले चंदा लेते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिस दोस्त से चंदा लेते हैं उसको धंधा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फुले ने धंधा के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि धंधा और धर्म में फर्क होता है। लिखा है ना ज्योतिबा फुले ने कि धंधा और धर्म में फर्क होता है। किसान अगर खेती करता है तो ये उसका पेशा है, उसका धर्म नहीं है। तो अगर कोई दक्षिणा मांगता है तो ये उसका धंधा है, उसका धर्म नहीं है। ये मेरे विचार नहीं है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार है। मैं उसी तरह से आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का धर्म क्या है? प्रधानमंत्री का, सरकार का, मंत्री का, एमएलए का, आमदार का, खासदार का, आपका जो क्या होता है, वार्ड पार्षद को क्या बोलते हैं यहां, नगर सेवक का, इसकी कुछ जिम्मेवारी होती है ना भाई। लोकतंत्र में इसका चुनाव किसी खास उद्देश्य से किया जाता है ना। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है जनता की सेवा। लेकिन जनता जाए भाड़ में, ये करते हैं अपनी सेवा। इस सवाल का जवाब इनसे क्यों ना मांगा जाए कि भाई तुम गरीबी हटाने के नाम पे आए थे, गरीबी हटाने के लिए हाथ उठा करके लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, हमारी गरीबी हटी नहीं, तुम्हारा गरीबी अमीरी जो है बढ़ गया है, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, यह पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार से सवाल पूछने के चलते लोगों को देश विरोधी कहा जा रहा है। तो मेरा इस संबंध में एक बात कहना है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, जितना आपको दोस्त ने चंदा दिया है ना, चंदा का सारा पैसा से जितना मीडिया खरीदना है खरीद लीजिए, जितना दम है उतना दम लगा लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी भंडारा से चुनाव हार गए थे, चुनाव हार जाने से हम अपनी लड़ाई छोड़ने वाले नहीं है, हम आपसे सवाल पूछते थे और आपसे सवाल पूछेंगे, ये हमारा संकल्प है, बात हम आपको कह देना चाहते हैं। देश के आम लोगों के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने उनका नमक खाया है, और जब एक बार हमने शेरनी का दूध पी लिया है तो हम दहाड़ना बंद नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जो संविधान इस देश के एक साधारण परिवार के इंसान को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वही संविधान हमको भी, आंगनवाड़ी के बेटे को भी अधिकार दे सकता है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है। और ये जो समतामूलक विचार है, ये जो समतामूलक सिद्धांत है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आप तमाम आदरणीय नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि देश एक गंभीर परिस्थिति में है, देश एक कठिन मोड़ पर खड़ा है,
ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि हमारा पेशा कुछ भी हो, हम खेती करते हो, हम नौकरी करते हो, हम पुलिस में हो, हम सेना में हो, हम बिजनेस करते हो, हम घर चलाते हो, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो आजादी हमको मिली थी वो आजादी गिफ्ट नहीं है। नौजवान दोस्त मेरा खड़ा है, 14 तारीख को, 14 फरवरी को जो गुलाब गिफ्ट में मिलता है ना आई लव यू कहने के बाद, आजादी उतना सस्ता गिफ्ट नहीं है। आजादी के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, फांसी पर झूलना पड़ा। और विडंबना देखिए कि जो आजादी हमको मिली उस आजादी की रक्षा करना आज हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती बनकर के खड़ा है। और उस आजादी की रक्षा के लिए हमको जिनके भी विचारों की जरूरत पड़ेगी, हमको अगर महात्मा के विचारों की जरूरत है तो हम उस पर भी चलेंगे, महात्मा फूले के विचारों पर भी चलेंगे। अगर हमको महात्मा गांधी के विचारों की भी जरूरत पड़ेगी तो हम महात्मा गांधी के विचारों पर भी चलेंगे। ये आज के नौजवानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे साथ परिस्थिति यह है कि जब मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करता हूं, समता की बात करता हूं, तो लोग मुझे कहते हैं अंबेडकरी मूवमेंट से आए हो क्या। और जब मैं भगत सिंह की बात करता हूं, साहस साहस और वीरता की बात करता हूं, तो लोग मुझे कहते हैं वामपंथी हो क्या। और जब समाज में हिंदू मुसलमान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान लोगों की एकता की बात करता हूं, तो लोग मुझे कहते हैं गांधीयन हो क्या। भाई मैं भारतीय हूं और इस देश को जो आजादी मिली है उस आजादी की रक्षा करने के लिए हमको जिनके भी विचारों की जरूरत है उनके विचारों पर चलेंगे। और एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, मिलकर के उस एकता को मुकम्मल करेंगे। और ये जो लोग आज गद्दी में पर बैठ करके देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम करेंगे। और यह बात मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह जो देश बेचने की बात है, आप ध्यान से जो टीवी आपको दिखा रहा है वो नहीं, जो व्हाट्सएप में आपको आ रहा है वो नहीं, आप ध्यान से देखिए कि देश किस तरीके से बेचा जा रहा है। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, कोरोना के दौरान समाज में गरीबी बढ़ गई, कोरोना के दौरान लोगों के धंधे कम हो गए, लेकिन दो लोगों का धंधा कम नहीं हुआ। किसका? अंबानी और अदानी। जोर से बोलिए, देश सिर्फ उसी के बाप का थोड़ी है, हमारे भी पापा मम्मी का है। जोर से बोलिए, मैं कहता हूं जोर से कि हर राज्य के चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। क्या है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार मतलब चार लोगों का व्यापार, दो देश बेच रहा है, दो देश खरीद रहा है। अमित शाह और मोदी देश बेच रहा है, अंबानी और अदानी देश खरीद रहा है। यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको सोचना पड़ेगा, उसको यह सोचना पड़ेगा कि देश की जो संपदा बेची जा रही है ना, वो किसी एक धर्म का मसला नहीं है, किसी एक जाति का मसला नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। और हम सब, हम इसलिए कहते हैं कि आप सोच करके देखिए कि बीमारी आपको और हमको होमोसेपियंस मानती है, वायरस आपको और हमको होमोसेपियंस मानती है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को महिला पुरुष ब्राह्मण दलित हिंदू मुसलमान मराठी बंगाली मानते हैं। आप सोच करके बताइए कि कोरोना सिर्फ मुसलमान को हुआ कि हिंदुओं को भी हुआ, कोरोना सिर्फ पुरुषों को हुआ कि महिलाओं को भी हुआ, कोरोना सिर्फ अमीरों को हुआ कि गरीबों को भी हुआ। जब बीमारी आपको और हमको इंसान मानती है तो विचार जो आपको और हमको इंसान मानता है वो विचार ही उस बीमारी का इलाज है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और समाज के अंदर जो भेदभाव है उस भेदभाव से, उस महामारी से अगर हम इलाज चाहते हैं तो हमको संविधान का टीका देना पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना देश के हर स्कूल में हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि उससे
वो एक आजाद नागरिक बनेगा, उससे वो किसी जाति का होने के पहले भारत का नागरिक बनेगा, उससे वो किसी लिंग का होने के पहले भारत का नागरिक बनेगा। संविधान की प्रस्तावना में यह बात साफ साफ लिखी हुई है। एक बार बहस हो रही थी, बहस में हमारा एक भाजपाई दोस्त हमको बोला कि तुम इतना बाबा साहब का नाम लेते हो, तुमने बाबा साहब के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़े हैं। हमने कहा नाम तो आजकल तुम्हारे प्रधानमंत्री भी लेते हैं, 14 अप्रैल को फोटो भी चढ़ाते, माला भी चढ़ाते हैं, तुम बताओ कि तुम और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो बताओ, अगर पढ़े होते तो आप इस शहर को घूम करके देख लीजिए, आपको अजीबोगरीब पोस्टर दिखाई देंगे। राम जी एक पोस्टर पे अकेले थे, उनका साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे रहे थे, देख लीजिएगा घूम करके। मैं आंख खोल करके चलता हूं और मैंने इस शहर में ये पोस्टर देखे हैं, ये कैसे हो रहा है? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि किसी भी महामानव के विचार को यदि छोड़ दिया जाए तो वो महामानव पत्थर की मूर्ति के अलावे और कुछ नहीं रह जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे नहीं चलते हैं, अगर आप महात्मा फूले के विचारों पे नहीं चलते हैं, अगर महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं है कि सावित्री बाई फूले नहीं होती, तो आप पढ़ नहीं पाती, आप पायलट नहीं बन पाती, आप फौज में नहीं जा पाती, आप साइंटिस्ट नहीं होती। अगर इसका एहसास नहीं है, इसका मतलब हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं। और याद रखिएगा, मोदी जी इतिहास में फेल हो गए थे। नहीं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मोदी जी इतिहास में फेल हो गए थे, इसीलिए उनको ना आपके वर्तमान की चिंता है ना आपके इतिहास की चिंता है। और आप अगर अपने इतिहास को भूल गए और वर्तमान में कार्रवाई नहीं की तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे हमको गर्व होता है कि इस देश के महामानवों ने हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से हमको भी उस अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर गर्व करे। और अगर इस मिशन को आप करने के लिए तैयार हैं, अगर ये संकल्प आपने लिया है कि किसी भी सूरत में हम देश को वापस नहीं जाने देंगे, किसी भी सूरत में इस देश के भीतर किसी की भी पहचान के आधार पर हम भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अभी एक चीज देखा बहुत मजेदार, जब मैं इन तीनों तस्वीरों के ऊपर फूल चढ़ा रहा था तो पहले मोमबत्ती जलाया, फिर अगरबत्ती जलाया, तो मेरे मन में एक अचानक से विचार आया कि आप चाहे मोमबत्ती जलाते हो या अगरबत्ती, पेट्रोल पंप पे आप जाइएगा ना तो पेट्रोल का दाम आपका जेब जला रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग इन छोटी छोटी चीजों में एक बड़ी लड़ाई को भूल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इस साजिश को नहीं समझ रहे हैं कि मोमबत्ती और अगरबत्ती में बांट करके जो दो लोग हैं ना, वो देश की ऐसी की तैसी कर रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि 70 साल में हम जहां पहुंचे हैं वहां से हमको आगे जाने की जरूरत है, वहां से हमको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज की इस दौर में महात्मा फूले, साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का महत्व और बढ़ जाता है। इसीलिए खास करके मैं अपने नौजवान दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये एक वक्त का काम नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार सार्वजनिक जयंती समिति ने जयंती मना लिया और बात खत्म। आपको इसको एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा। और विचार का उद्देश्य सिर्फ नेता बनना नहीं होता है, विचार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता है, विचार का उद्देश्य एक प्रबुद्ध नागरिक का निर्माण करना होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और जिसका समाज प्रबुद्ध होता है, जिसके नेता प्रबुद्ध होते हैं, उस देश का इतिहास स्वर्णिम होता है। एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, 1947 में इसी नफरत की राजनीति ने
अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के चलते सुअर का मांस मस्जिदों में फेंका जाता था, गाय का मांस मंदिरों में फेंका जाता था। अंग्रेजों ने हम भारतीयों को आपस में लड़ाया, हमारे ऊपर 200 साल गुलामी की, और जब देश छोड़ करके जा रहे थे तो हमारे दिल के दो टुकड़े कर दिए, दो देश बना, एक भारत और दूसरा हमारा पड़ोसी देश। उसकी हालत देख लीजिए। हमको गर्व करना चाहिए कि हमारे पास नेहरू थे, हमारे पास नेहरू थे इसीलिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए, इस बात पे हमको गर्व करना चाहिए। आप देख लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री वहां अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है, बीच में ही जो है उसको अपना कार्यक्रम छोड़ करके जाना पड़ता है। हमारे देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही थी, पूरी दुनिया हमारे ऊपर कार्टून बना रही थी, और हमने पूरी दुनिया को वापस आंख दिखाया कि भारत जब अपना पहला चुनाव संपन्न किया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। यह हमारा इतिहास है। 70 साल की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। इस यात्रा में हम बहुत आगे आए हैं और हमको बहुत आगे जाना है, लेकिन कुछ लोग वापस से इस समाज को, इस देश को मध्य युग में पहुंचाना चाहते हैं। उनसे हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपको कुर्सी लेनी है ले लीजिए, आपको राज करना है राज कीजिए, लेकिन लोगों के दिलों का बंटवारा मत कीजिए, दोबारा जो है इस देश को बांटने की साजिश मत कीजिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। फिर भी अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिसकी संभावना 100% है, आप बढ़िया से तैयार हो जाइए, सेंट लगा लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, मक्खी आपके शरीर के ऊपर आकर के नहीं बैठेगी। आप गंदा है नहीं नहाए हैं, मक्खी आपके ऊपर आकर के बैठेगी। कहते हैं कि चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। जिनको समाज को बांटने की आदत है, लोगों को आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की, आग लगाने की आदत है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो उनको एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर आप गोडसे बनने के लिए तैयार हैं तो हम भी अंबेडकर को अपने साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप ब्रिटिशर्स बनने के लिए तैयार हैं तो हम भगत सिंह की तरफ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा कि किसी भी सूरत में अगर आपने हमारे देश को बांटने की कोशिश की, किसी भी सूरत में अगर आपने नफरत की आग लगाने की कोशिश की, तो पूरे दम से आपका मुकाबला करेंगे, और हम नहीं हमारे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान खड़ा होकर के इसका मुकाबला करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं भंडारा के आप तमाम लोगों से सिर्फ एक आग्रह करता हूं, एक अपील करता हूं, और आपसे ये भरोसा लेकर के जाना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए आप कसम खाइए कि आप अपने शहर को जलने नहीं देंगे। बोलिए, जलने देंगे क्या? कोई नफरत के नाम पे आपके शहर को जला सकता है क्या? कोई धर्म के नाम पे आपको लड़ा सकता है क्या? नौजवान दोस्तों, हाथ उठा करके बोलो कि चाहे जो हो जाए किसी भी सूरत में हम समतामूलक विचारों को नहीं छोड़ेंगे, और यह नारा पूरी शक्ति से, पूरे जोर से लगाएंगे कि जातिवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। यह नारा हम जोर से लगाएंगे, यह नारा हम जोर से लगाएंगे कि इस देश को आजाद कराने के लिए अगर तमाम लोगों ने कुर्बानी दी थी, तो उस आजादी को बचाने के लिए भी हम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, और किसी भी सूरत में जो हमारे सवाल को गुमराह करना चाहते हैं उस सवाल को हम गुमराह नहीं होने देंगे। और जो हमारा बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का, उस सवाल को हम राजनीति का प्राइमरी सवाल बनाएंगे, और राजनीतिक लोकतंत्र को एक दिन हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की विश्वास के साथ कि यह लड़ाई निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भंडारा का पुलिस प्रशासन है, उन्होंने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है, जो मीडिया के साथी आए हुए हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस आशा और उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि इस लड़ाई में, दिल के इस रिश्ते में हम साथ हैं, एक हैं, एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।